This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 22 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लास्ट जो 21 लेक्चर था उसमें जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कुछ समझने में कुछ रह गया है, तो आप लोग सवाल कर सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था वो 22 मैंने मेंशन किया हुआ था, मगर वो 21 लेक्चर था और इस वजह से हुआ कि दो तीन दिन पहले मैंने कोशिश की मैं लेक्चर दूँ, मगर उस टाइम इंटरनेट सही ना होने की वजह से मैं उस दिन लेक्चर डिलीवर जो है वो नहीं कर सका। बाकी जिन लोगों ने एडसेंस की साइट स्टार्ट कर दी है, ज़बरदस्त हो गया, मैं साथ साथ प्रोग्रेस देखता होता हूँ। जिन्होंने क्लिकबैंक की साइट स्टार्ट कर दी है, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप एडसेंस की साइट स्टार्ट करो चाहे क्लिकबैंक की करो, मगर असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1, असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 ये सबमिट करवाना ज़रूरी है, चाहे आप एडसेंस की साइट काम स्टार्ट करते हो या नहीं करते हो। इसके अलावा जो जो आप लोगों के इश्यूज हों वो आप मेरे साथ फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे साथ साथ डिस्कस करते रहो। अगर आपको रिप्लाई लेट आता है या नहीं मिल रहा फॉर एग्जाम्पल रिप्लाई, तो आप जो है वो वॉइस मैसेज छोड़ दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि साथ साथ मैं नई चीज़ें भी देख रहा होता हूँ, सेल्फ लर्निंग जिसे बोलते हैं वो कर रहा होता हूँ, प्रैक्टिस करना होती है, टेस्टिंग करना होती है और फिजिकल बिजनेस भी देखना होता है, तो इस वजह से सम टाइम जो है वो रिप्लाई देने में जो है वो डिले हो जाता है, ताखीर हो जाती है। बेसिकली लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने एंटर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले का बताया था कि किस तरह हमने, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है कि हमने 100 बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है, 100 बैकलिंक्स बनाने के लिए हमें एंटर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है बेसिकली, तो वो मैंने आप लोगों को समझाया था। मनी एंकर, LSI एंकर, ब्रांड एंकर, नेट एंकर एंड जेनेरिक एंकर, ठीक हो गया। ये कैसे आपने इनको, आपने अपने जो लिंक बिल्डिंग है उसमें आपने कैसे इनको यूज करना है। अब आज हमारा जो लेक्चर है एंकर टेक्स्ट के रेशो को समझने के बाद, ये मैं आपको इसकी फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, एक सैंपल फाइल जिसे बोलते हैं वो फाइल भी दे दूंगा एज अ डेमो के तौर पे। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि लिंक बिल्डिंग जो है, इसका इंट्रोडक्शन तो दे दिया था। लिंक बिल्डिंग बेसिकली आपने जब स्टार्ट करते हैं तो तीन, इसमें भी 3 स्टेप फार्मूला है, थ्री स्टेप फार्मूला क्या है? 3 स्टेप फार्मूला जो लिंक बिल्डिंग में यूज होता है वो ये होता है, बेस बैकलिंक्स, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, यानी कि मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ऐसे ही SEO सिखाई जाती है, बहुत मुश्किल करके SEO को सिखाया जाता है, मगर मैंने इसको पार्ट्स में तब्दील करके मेरी कोशिश रही है कि मैं आसान कर दूँ, ठीक है। बेस बैकलिंक्स, अथॉरिटी बैकलिंक्स एंड हाई अथॉरिटी, ये वोटिंग सिस्टम है, वोट बेस यानी कि नॉर्मल तबके का जो वोट होता है वो फिर किसी बड़े जो कह लो कि ओहदे पे फाइज होता है बंदा, उसका वोट, फिर उसके बाद किसी लाइक उससे भी ऊपर की पोस्ट की तरफ से अगर आपको कह लो कि वोट मिलता है या अप्रिसिएशन मिलता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है वो एक मिसाल दी थी किसी के इलेक्शन में जीतने की, उसी को एज अ एग्जांपल या एज अ डेमो के तौर पर लेके चलें, तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो बैकलिंक्स हैं ये जो है आप कह लो कि वोट होता है, ये सपोर्ट होती है
किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, और ये गारंटीड मेथड होता है वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। अगर आप तो बाकी सारे काम जिस तरह मैंने आप लोगों को बताए हैं उस तरह करते हो, लाइक कीवर्ड रिसर्च, नीच सिलेक्शन, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, डोमेन पाइंग को ध्यान रखना, होस्टिंग को देखना, कंटेंट राइटर आपका अच्छा हो, सारी चीजें जब देखते हुए आप इस स्टेप तक पहुंचते हो, और मैंने जो 3 स्टेप फार्मूला पहले ब्रांडिंग का बताया, देन सोशल शेयरिंग का बताया, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी वेबसाइट जब ये सारे काम आप कर चुके होगे और इस लेक्चर तक पहुंचते हो, 22वें लेक्चर तक, और ये जो आज बता रहा हूँ यहाँ तक आप पहुंचते हो, तकरीबन 15 से 20 दिन आपके अप्लाई करने में लग जाएंगे। जब आप कितने दिन लग जाएंगे, आपकी वेबसाइट ऑलरेडी 100 जो रिजल्ट्स है जिनके 10वें पेज से नीचे आ चुकी होगी, यानी कि हो सकता है 5वें पेज भी हो, 4थे पेज भी हो, इतने पे आ चुकी होती है जब आप ऑन पेज एसईओ अप्लाई करते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और जो आप लोगों को विनिंग कीवर्ड का क्राइटेरिया बताया था उसके मुताबिक आपकी वेबसाइट रैंकिंग करना शुरू कर देगी, जंप करना शुरू कर देगी अपने कीवर्ड्स पे। उनको आपने ट्रैक कैसे करना है आज उसके बारे में बताता हूँ। कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि कैसे पता कि मेरी वेबसाइट रैंक कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो आपने ये इस पॉइंट पे आके आपने अब एक्सपर्ट लेवल को समझना है कि एसईओ में एक्सपर्ट लेवल क्या होता है। एसईएम रश टूल को यूज करना है। अच्छा, एसईएम रश का टूल $5 में 30 डेज के लिए एक्सक्लूसिव मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा, पहले भी मैंने स्टूडेंट्स को दिलवाया है $5 में 1 मंथ के लिए, और हर हर महीने आप इसी तरह से, या आप अपना कार्ड यूज कर लो, या $5 में आपको एसईएम रश का प्रो अकाउंट 30 डेज के लिए मिल जाएगा $5 में, ठीक है। आपने किसी वेबसाइट को चेक करना है कि वो कौन कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नई वेबसाइट स्टार्ट की, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ठीक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ये साइट स्टार्ट की है। अब मुझे ये देखना है कि ये गूगल में कहाँ कहाँ रैंक करे, मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा। या तो मुझे गूगल वेब मास्टर टूल्स को देखना पड़ेगा, या मैंने जब अब जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो मैं एसईएम रश के इस रिजल्ट को देखते हुए लेके चलूंगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, देखूंगा मेरी वेबसाइट कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी जो imfizan.com है उसका थोड़ा सा आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं उस पर कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वो फ्री वीडियोस की बेस पे मैं साइट को लेके चल रहा हूँ, मुझे मैं इस पर कोई रैंकिंग नहीं करवा रहा, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया वर्ल्ड वाइड, पहले ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है यूएस। अब ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि यूएसए में 15 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, पाकिस्तान में 8, इंडिया में 8, इटली में 3, कैनेडा में 3, ठीक है। मुझे मेरा टारगेट जो ये वेबसाइट है वो पाकिस्तान और इंडिया है, ठीक है, इसमें 8-8 कीवर्ड्स रैंक करें। उसके बाद यूएसए, वो इस वजह से कि मेरी उर्दू जो स्पीकिंग लोग हैं वो मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में हैं, यूएस में भी हैं, ऐसी बात नहीं, बट मैंने जब साइट को स्टार्ट किया मैं पाकिस्तानियों को जो है वो एंटरटेन ज़्यादा करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर पीके पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, और जो है फिर मैं पाकिस्तानी साइटों पे अपने बैकलिंक्स या अपनी जड़ें बनाऊंगा, मजबूत करूंगा। ये है जी, एक कीवर्ड है हाउ टू गेट पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड रैंक कर रहा है 67 नंबर पे। इसका सर्च वॉल्यूम यानी कि सर्चेस जो है मंथली पाकिस्तान के अंदर 110 है। पाकिस्तान जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको एक एक वर्ड को समझना है, क्योंकि आपने आने वाले दिनों में अपनी वेबसाइटों को भी इसी तरह से चेक करना है कि वो कौन कौन सी कंट्री में रैंक कर रही है, कौन कितने कीवर्ड्स सर्चेज वाले कीवर्ड पर रैंक कर रही है, इस तरह फिर उन्हीं को हम ज्यादा टारगेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड ज्यादा सर्चेज वाला है, तो मैं इसको जो है अथॉरिटी साइटों से लिंक देने की कोशिश करूंगा जो ये पेज है इस कीवर्ड पे। अब ये पेज कौन सा है ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, हाउ टू गेट पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान, ठीक है। अब पेपाल अकाउंट वाली जो मेरी पोस्ट है मैं उसको लिंक उसकी तरफ वोट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पे जरूर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो जो यूजर है वो कम हो जाएगा। अब ये दो पोस्ट हैं, हाउ हाउ डू आई गेट ए वेरीफाइड पेपाल अकाउंट, ठीक है, और एक है जी हाउ टू क्रिएट पेपाल बिजनेस अकाउंट। ये जो ओल्ड पोस्ट है इसको मैं रैंक करवान, इसको मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा और इसको भी लिंक देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा पेज रैंक कर रहा है वो हमें गूगल वेबमास्टर टूल्स बताएगा। मैं वॉल्यूम वाइज क्लिक करके भी देख सकता हूँ जब मेरे पास ये प्रो अकाउंट होगा। प्रो अकाउंट में यहाँ पर पेज का यूआरएल भी बताएगा कि कौन सा पेज इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहा है, ठीक है। ये बता रहा है, इसे मैंने क्लिक किया, ये जो पेज ओपन होगा इसको मैं ये वाला जो हाउ डू आई गेट ए वेरीफाइड पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान, ये वाला जो मेरा लिंक होगा जो 2015 की पोस्ट है, इसको मैं लिंक दूंगा मुख्तलिफ पाकिस्तानी साइटों से ताकि ये पाकिस्तान में मजीद रैंक करे और 67 नंबर से जंप करके पहले पेज पे आ जाए, पहली 3 स्पॉट्स पे आ जाए। समझ आई है? ये इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन पुरानी जब हमारी वेबसाइट हो जाती है आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब 15 20 दिन 25 दिन पुरानी साइट हो जाती है तो कीवर्ड मुख्तलिफ पेजेस के रैंक करना शुरू कर देते हैं। आपने अपनी एक वेबसाइट जो एडसेंस की है उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 40 कीवर्ड्स निकालने को कहे हैं, तो आपने कम से कम 60 कीवर्ड्स मजीद उसी नीच के अंदर ढूंढने हैं ताकि 100 आर्टिकल्स की एक साइट आपकी बनेगी और जब वो रैंकिंग में आएगी तो आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी। पोजीशन वाइज इस पर क्लिक करता हूँ तो सॉरी ट्रैफिक वाइज मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो जिसकी ट्रैफिक ज्यादा होगी ना, जिस कीवर्ड की ट्रैफिक ज्यादा होगी उस कीवर्ड को और उस पेज को मैं अपने पास एक्सेल में नोट करके रखूंगा और उसको मैं लिंक्स दूंगा उस कंट्री की साइटों से। फॉर एग्जाम्पल मुझे पाकिस्तान में रैंक करना है तो पाकिस्तान की साइटों से, इंडिया में रैंक करना है इंडियन साइटों से, अमेरिका में रैंक करना है तो डॉट कॉम साइटों से। इस तरह मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा ये चीजें जो स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं पिछले 16 17 साल से यूज करता आ रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी जो गूगल समझता है, वो स्ट्रेटेजी जो एक नेचुरल वे में होती है, वो स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आपकी वेब हम अपने कीवर्ड का रैंक करवाते हैं, करवाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यूएसए में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड तो है बट एक कंट्री स्पेसिफिक होती है। अब यूएसए में हमने रैंकिंग करवानी है तो हमें डॉट कॉम की वेबसाइटों से लिंक लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट बनी बनाया बना ही हम यूके के ले रहे हैं तो फिर हम यूके के बैकलिंक्स बनाएंगे। जब हम बैकलिंक लिंक बिल्डिंग कर रहे होंगे तो यूके साइटों से भी बैकलिंक बनाएंगे और डॉट कॉम से भी बनाएंगे, मगर यूके से जब बनाएंगे तो यूके का सिग्नल गूगल के एल्गोरिथम को जाएगा और वो यूके में रैंकिंग देना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करना होता है। जी मेरे अपने नाम की भी सर्चिज बन चुकी हैं, ब्रांड बन चुका है मोहम्मद फिजान और इस पे मेरी साइट जो है ये वाली 87 नंबर पे मौजूद है, ठीक है। ये आप देखोगे 110 सर्चिज है मेरे अपने नाम की होगी में, ठीक है। और ये आपने एसएमरश को यूज करते हुए अपनी लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है। वॉइस में इशू आ रहा है अभी भी आपको? जी आके अच्छा, इसको आपने यहाँ तक मतलब अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि कैसे हमने अपनी जो वेबसाइट है उसकी जो ट्रैफिक है और उसकी रैंकिंग एक्चुअली उसको समझना है और इन कीवर्ड्स को मैं अपने पास हाउ टू गेट पेपॉल अकाउंट इन पाकिस्तान ये हो गया और जो मेरा यूआरएल था वो हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैं अपने पास नोट करके इसी तरह से मैं लिस्ट बना लूंगा कौन से कीवर्ड पे मुझे रैंक करवाना है और कौन से यूआरएल को रैंक करवाना है, कौन से कीवर्ड को कौन से यूआरएल को, कौन से कीवर्ड को कौन से यूआरएल को, उनको मैं
टाइम टू टाइम, यही तो हम एसईओ, इसी को तो हम एसईओ कहते हैं। एक एसईओ एक्सपर्ट का काम यही है, एनालिसिस करना, एरर फिक्स करना, रैंकिंग करवाना, कंपेटिटर एनालिसिस करना, जो वेबसाइट की प्रोग्रेस है उसको डे बाय डे देखना, नॉट वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ, डे बाय डे हर रोज रैंकिंग को देखना कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग हुई है नहीं हुई है, कितने नंबर पे पहुंचे हैं, कितने दिन हो गए हैं वेबसाइट को स्टार्ट किए हुए, आर्टिकल को इंडेक्स हुए हुए, ये सारी चीजें जो छोटे छोटे बारीक बारीकियां हैं इसको एक एसईओ एक्सपर्ट ही देखता है, इसको आम बंदा आम बंदे की नजर नहीं देख सकती। समझ आ रही मेरी बात की? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? ठीक हो गया, ओके। ना भी समझ आए तो आप लोग जो है वो इसका रिप्ले देख लोगे या इसकी रिकॉर्डिंग चेक देख लोगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी मैंने क्या आप लोगों को बताया था। अच्छा, हम चलते हैं जी बेस बैकलिंक्स की तरफ। बेस बैकलिंक्स क्या होते हैं? बेस बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स को कहा जाता है, समझना है बात को, बेस बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स को कहा जाता है जिनकी अथॉरिटी जो है होम पेज की अथॉरिटी तो होती है, मगर जिस पेज से हम लिंक लेते हैं उस पेज की अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, हमें अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ानी है ताकि वेबसाइट गूगल में रैंक कर सके टफ से टफ कीवर्ड के ऊपर। अथॉरिटी कैसे बनती है? आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे पॉजिटिव हो जाओगे, नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, मुनाफिक लोगों के बीच में रहोगे मुनाफिक हो जाओगे, सच्चे लोगों के बीच में रहोगे सच्चे हो जाओगे। माहौल का बहुत असर होता है। ठीक है, तो हमने अथॉरिटी की साइटों से लिंक लेना है ताकि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ सके। बेस बैकलिंक्स बनाने का मकसद ये है कि गूगल की नजरों में एक तरह से ये इंप्रेशन देना कि हमारी वेबसाइट को हर तरह की वेबसाइट से लिंक मिल रहा है। हम अगर डायरेक्टली अथॉरिटी बैकलिंक बनाना शुरू कर देंगे तो हमारी वेबसाइट होती है न्यू, तो गूगल का एक होता है बॉक्स, एक डब्बा होता है, उसको बोलते हैं सैंड बॉक्स। गूगल हमारी वेबसाइट को सैंड बॉक्स में डाल देता है, हमारी वेबसाइट को पेनल्टी भी लगा सकता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हो, हमारी वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर हुई है अक्टूबर, आज है अक्टूबर की 28, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर हुई है अक्टूबर की 15 को, आज है जी अक्टूबर की 28, हमने आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर दिए अक्टूबर 16 से, फिर 18 को, फिर 20 को। ठीक है, आर्टिकल पब्लिश करने की समझ आती है। बैकलिंक बनाना शुरू कर दें 25 तारीख से, 26 तारीख से, यानी कि अभी साइट को स्टार्ट हुए 10 दिन भी नहीं हुए और हमने बैकलिंक बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, और वो भी अथॉरिटी के बैकलिंक, तो गूगल हमारी वेबसाइट को उठाएगा और ऐसे एक बॉक्स में फेंक देगा कि महीना 2 महीना हमारी वेबसाइट जंप करती रहेगी, कभी रैंकिंग में नजर आएगी कभी नहीं नजर आएगी, कभी नजर आएगी कभी नहीं नजर आएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, गूगल ने पकड़ के पेनल्टी लगा दी है। ऐसा काम हमने नहीं करना, इसीलिए व्हाइट हैट एसईओ थोड़ा सा टाइम लेती है, इट टेक्स टाइम, बट वंस लाइक जैसे ही हमारी वेबसाइट एक एस्टेब्लिश होती है, या कह लो कि वंस इट इट गेट ओल्ड, जैसे ही वो पुरानी होती है वो अपनी पोजीशन पे आना शुरू कर देगी। बैकलिंक बनता कैसे है, एंकर टेक्स्ट यूज कहाँ होता है, ये सारे सवाल आप लोगों के जहन में जैसे जैसे आप लेक्चर देखोगे रिकॉर्डिंग में या लाइव लेक्चर आप लोग जो ले रहे हो, जैसे जैसे आप लोगों के जहन में आएंगे ये मैं टाइम टू टाइम सिखाऊंगा, लाइव आप लोगों को बैकलिंक बनाकर दिखाऊंगा। अभी क्योंकि बैकलिंक नहीं बना के दिखा सकता, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बैकलिंक बनाने कहाँ कहाँ है। इसको कहते हैं कि लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लिंक्स बनाने कहाँ हैं, यानी कि बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से लेने हैं, उसकी जगह तलाश करना एक्चुअली लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी कहलाती है। बेस बैकलिंक्स में हम लोग आर्टिकल डायरेक्टरीज, वेब 2.0, इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स,
कमेंट्स इस तरह के प्लेटफॉर्म से हम लोग बेस करेंगे। आर्टिकल डायरेक्टिव्स कौन सी होती है, लाइक डिजाइन आर्टिकल्स, आर्टिकल ए, वेब 2.0 कौन सी होती है, इंटरनेट की नई शक्ल जो है वो वेब 2.0 के प्लेटफॉर्म के लाते हैं, और वेब 2.0 के प्लेटफॉर्म में लाइक ब्लॉगर, बिग्स, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो वेब 2.0 के लाते हैं। इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिकर, आई एम गुर, प्लेटफॉर्म्स कुछ अनाउंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक answers.com, Quora.com, इस तरह से answers.com। कमेंट्स कौन से प्लेटफॉर्म था, बेसिकली हमने अपनी नीड से रेलिवेंट ब्लॉग्स फाइंड करने हैं, और जो पुरानी साइटें होंगी, अथॉरिटी साइटें होंगी, और जो कमेंट्स अलाउ करते होंगे वहां पर जेन्युइन कमेंट करके वहां से हमने लिंक लेना है। एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपने जो मेरा मनी एंकर है, मनी कीवर्ड है बेसिकली, उसको मैंने पोस्ट करके प्लस कमेंट्स लिख दिया, ठीक है। ऐसी साइटें हमने ढूंढनी है, ऐसे ब्लॉग्स हमने ढूंढने हैं जहां पर हमें कमेंट की इजाजत हो। और वहां पर प्रॉपर रिप्लाई करना है, ये नहीं करना कि जिस तरह लोग लाइक ऑटोमेशन के टूल या बैकलिंक बनाने के टूल यूज करके और साइटें उठा लेते हैं, इररिलेवेंट साइट उठा लेते हैं। रैंकिंग का फॉर्मूला आज आप लोग अपने पास लिख लो, अथॉरिटी रैंकिंग का गारंटीड फार्मूला है, अथॉरिटी प्लस रेलिवेंसी, जो कंटेंट या जो आर्टिकल है जिसे हम रैंकिंग करवाने जा रहे हैं वो ऑप्टिमाइज, वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है, और जहां से हमें लिंक मिल रहा है वो साइट की अथॉरिटी की हो और रेलिवेंट हो। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो आप एग्जाम्पल देता हूँ कि जी CNN एक साइट है फॉर एग्जाम्पल न्यूज की, और हम बैक लिंक लेने लग जाएं उसके न्यूज के पेज से अपने फैशन के पेज पे, तो वो इररिलेवेंट है। हाँ, CNN.com के अंदर कोई फैशन का पेज है, वहां से जब हम लिंक लेंगे अपने फैशन की साइट की तरफ तो दैट लिंक इज कॉल्ड बेसिकली रेलिवेंट बैक लिंक। रेलिवेंट, रेलिवेंसी बहुत जरूरी है, प्लस CNN.com की वैसे ही बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, बहुत पुरानी साइट है। जो पुरानी साइट होती है, जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड साइट होती है, ट्रैफिक वाली साइट होती है, उसको अथॉरिटी की साइट बोला जाता है, यानी कि अथॉरिटी की वेबसाइट पे कोई निशान नहीं लगा होता कि ये अथॉरिटी की वेबसाइट है, अथॉरिटी की वेबसाइट उसको कहा जाता है, SEO की जबान में, टेक्निकल जबान में उस वेबसाइट को बोला जाता है अथॉरिटी की वेबसाइट, जो पुरानी हो, वेल एस्टेब्लिश्ड एक साइट हो,
समझ आइए। अब फॉर एग्जांपल ये एक साइट मैं ओपन करके दिखाता हूँ जी, पीसी मैग, टेक रेडार, आप इसका रजिस्ट्रेशन डेट चेक करना। आप इसकी आप techradar.com की रजिस्ट्रेशन डेट चेक करो, कब की रजिस्टर हुई हुई है, 2003, कब तक के लिए हुई है, 2026। तो दिस टाइप ऑफ साइट्स, दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अथॉरिटी बिजनेस, अथॉरिटी साइट। मैंने बताया techradar.com को आप खोल लो, आपको कहीं बैच नहीं लगा हुआ नजर आएगा कि दिस साइट इज एन अथॉरिटी साइट, ठीक है, लिखा हुआ द सोर्स फॉर टेक बाइंग एडवाइस, बस ठीक है, कहीं पे मेंशन नहीं है, कहीं पे कोई बैच नहीं लगा हुआ कि ये वेबसाइट जो है अथॉरिटी वेबसाइट है, मगर क्योंकि ये पुरानी साइट है, इसके गूगल में सैकड़ों की तादाद में पेजेस होंगे, जस्ट अ मिनट, 6,77,000 पेजेस इसके गूगल में इंडेक्स है, 6,77,000। ऐसी वेबसाइट अगर अथॉरिटी की नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगी, समझ आइए। इस तरह जब तक आपकी नजर वो नहीं बनेगी जो मेरी नजर है, तब तक आपको एसईओ में मजा नहीं आएगा। तो ये आज के लेक्चर को बड़ा डिटेल में आप लोगों ने देखना है, समझना है मैंने क्या बताया, ठीक है, बारीक बारीक पॉइंट एक एक लेक्चर में आपको मिलेगा पूरे कोर्स में इंशाल्लाह, और आप लोगों को वो उस लेवल पे लेके जाएगा जो लेवल मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा और स्टूडेंट्स जो मुझसे सीखेंगे उनका वो लेवल होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात होगी, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।